ठीक है, प्रेशर का हमने देखा था फॉर्मूला था रो जी एच, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बताया था तुम लोग का फॉर्मूला, ये मैंने डिराइव करके तुम लोग को दिखाया था कैसे सिलेंडर बनाया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि ऊपर लगता था प्रेशर, नीचे लगता था प्रेशर, ठीक है। तो पी वन ऊपर से था, पी टू नीचे से था, तो मैंने बोला था कि पी टू ए माइनस पी वन ए, पी टू ए इक्वल टू था पी वन ए प्लस एम जी करके था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से पी टू ए इक्वल टू पी वन ए प्लस एम जी को मैंने लिख दिया था, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये जो वॉल्यूम था ये सिलेंडर वाला, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमारा मास हो जाएगा, इंटू जी, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे थे वॉल्यूम को हम क्या लिखते थे, यहाँ से वॉल्यूम को लिख देते थे एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, यहाँ लिखते थे ना एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। यहाँ से सबसे ए कैंसिल हो रहा था और हमारा आ रहा था पी टू माइनस पी वन इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये हमने सीखा था सबसे पहला चीज, ठीक है। ये ब्रीफ रिविजन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को लगे कि हाँ तुम लोग को सब समझ में अच्छे से आ जाए, आ जाए, क्योंकि बीच में तुम लोग के भी एग्जाम चल रहे थे, क्लासेस काफी सारे तुम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। उसके बाद फिर तुम लोग को मैंने बताया था एक टॉपिक था, इसका नाम था बॉयंट फोर्स। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि अगर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड था, ठीक है, तो उस केस के लिए मैंने बोला था कि अगर यहां पर देखा जाए ना, यहाँ पर जो प्रेशर है ना रो जी एच है, ठीक है, अगर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड था तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं पी टू ए, ठीक है, माइनस पी वन ए, पी टू ए अपवर्ड फोर्स हो गया, माइनस पी वन ए प्लस एम जी, ये क्या हो गया, ये हमारा था पी टू ए माइनस पी वन ए प्लस एम जी इक्वल टू जीरो था ना, तो इससे इसको इधर भेजा तो ये स्टेटमेंट आ गया था। अगर अगर स्टेशनरी था तो मैं ये लिखता था और जीरो के इक्वल कर देता था तो ये मेरे को मिल गया था, लेकिन अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते थे एम इंटू ए, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे ए क्या था इसका एक्सेलरेशन। अगर हमने ये पूरा फॉर्मूले को अप्लाई किया ना, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जो पी टू जो प्रेशर डिफरेंस है ना यहाँ पे, जो पी टू ए माइनस पी वन ए आएगा, जो पी टू माइनस पी वन आएगा, व्हाट इज पी हियर, पी इज पी टू माइनस पी वन प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। तो पी टू माइनस पी वन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रो जी के, यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो जी प्लस ए इंटू एच आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा होता है प्रेशर डिफरेंस अगर लिक्विड अगर एक्सेलरेट करता है तो। उसके बाद तीसरा था हमारा बॉयंट फोर्स या बॉयंसी बोल सकते हो, ठीक है, या इसका दूसरा नाम था और अपथ्रस्ट। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है अपवर्ड फोर्स लगाने की, उसको हम लोग कहते हैं बॉयंट, और बॉयंसी कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स जो है ना कुछ अलग चीज नहीं है, यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है ना, ठीक है, यही क्या क्रिएट करता है, बॉयंट फोर्स क्रिएट करता है। मैं तुमको एकदम सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ जो भी पॉइंट हमने अभी तक पढ़ के रखे। ये जो बॉयंट फोर्स होता है डिस इज इक्वल टू पी टू ए माइनस पी वन ए, ठीक है, ये जो ये इसी को हम क्या बोलते हैं बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और अगर हमने यहाँ पर देखा तो अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ए के साथ, ठीक है। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट इंटू एरिया क्या हमको देगा, वॉल्यूम देगा, ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू, यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, जब बॉडी डालेंगे तो फिर वहां पे एक नया रो आ जाता है सॉलिड के लिए, तो इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। ये वी क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा था यहाँ पे अभी, इसको एक बार फटाफट इसको एक बार देख जाओ, ठीक है। और तुम लोग को पता, मैंने ये बताओ तुम लोगों को मैंने बात नहीं की थी, लेकिन तुम लोग के मैंने मार्क्स भी देखे थे जो तुम लोगों ने टेस्ट दी थी, क्या कहते हैं, जब तुम लोग के मैंने ग्रेड ईजी पर टेस्ट ली थी, तो
तो देखा था क्या कहते हैं तुम लोग के मार्क्स भी अच्छे थे, मतलब जितना चाहिए होता ना कट ऑफ, ठीक है, बायो वालों को, ठीक है, या क्या कहते हैं नीट में, तुम लोग के उससे थोड़े ज्यादा ही आ रहे थे, कट ऑफ से ज्यादा तुम्हारे अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली तुम लोग को जाना चाहिए। हाँ, मेरे को ये नहीं पता है कि तुम लोग की बायो की प्रिपरेशन कैसी है, केमिस्ट्री कैसा है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, और तुम लोग उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो तुम लोग को डेफिनेटली उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, बॉयंट फोर्स और अपथर्श का ये हो गया। अब ये पता है ये कब होता है, इन स्टैटिक फ्लूइड होता है या इन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है, ये वाले केस के लिए था, ठीक है, इसमें कितना बॉयंट फोर्स लग रहा है केस वन में, तो आंसर है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जब सॉलिड को हम डालते हैं, ठीक है, हमने कोई सॉलिड को डाला अगर ऐसे करके, ऐसे पानी था हमने सॉलिड को डाला यहाँ, ये सॉलिड नहीं है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है प्रेशर डिराइव करने, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉलिड को डाला, ठीक है, रियल सॉलिड को डाला, तो उस रियल सॉलिड के ऊपर कितना लगेगा अपथ्रस्ट, तो आंसर है ये इतना लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, ये बॉइंट फोर्स ऑन बॉडी इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। ठीक है, बॉइंट फोर्स ऑन, अब यहां पर अगर तुम देखो तो अगर एक्सेलरेटेड फ्लूइड है तो फोर्स क्या था, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया था ना, तो जब एक्सेलरेट करेगा तो प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया करेंगे, तो एरिया इनटू हाइट क्या देगा, वॉल्यूम देगा, और यहां पे क्या आएगा जी के बदले जी प्लस ही आ जाएगा, बिकॉज एक्सेलेरेटेड फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस कितना, इसके इक्वल है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये हो जाएगा रो जी प्लस ए इंटू वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड। ठीक है, तो खाली बस अगर एक्सेलेट करा है लिक्विड अगर ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर है तो जा रहा है तो पॉइंट फोर्स इतना हो जाएगा, ठीक है, और अगर नीचे जाएगा तो माइनस से कर देना, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सबसे, ये जो तुम्हारा बॉयंट फोर्स है ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसी से एक टर्म निकल करके आया था, ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, ठीक है, आर्किमिडीज ने जो भी हमने पढ़ाई की, ठीक है, उससे थोड़ा आर्किमिडीज ने उसको बना करके बोल दिया कि जो अपथ्रस्ट होता है, ठीक है, वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इसी को उसने बोला कि ये तो मास ऑफ द लिक्विड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इंटू जी, फिर एम एस को कह सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो हमने सीखा ना अपथ्रस्ट कि उसके फॉर्मूला से जो आया उसी को उसने क्या किया वर्ड में लिख दिया, क्या बोला उसने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था कि अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये अगर मान लो इफ लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग, उसको हो गया लिक्विड एक्सेलरेट हमने कर लिख लिया था, ठीक है, अच्छा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। अब आगे हम देखते हैं एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है, इसके बाद आता है एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन, किताब में पढ़ोगे ना तो बिल्कुल यही ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं। तो अब यहां तक मैंने तुम लोग को पहले पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास, ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कल नहीं भी क्लास अटेंड किए थे उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, वैसे भी ये सब चीजें जो है ना हमारे क्लास नाइन्थ से रिलेटेड है, हमने नाइन्थ क्लास में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने स्टेशनरी फ्लूइड के लिए हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, सबसे पहले फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, तैरना, फ्लोटेशन का मतलब तैरना होता है, और फिजिक्स में अगर हम इसको बात करें, जब हम कहते हैं कि कोई लिक्विड कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम, फ्लोटेशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन वी से बॉडी इज इन फ्लोटेशन वी मीन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्लोटेशन मतलब क्या था, बॉडी कैसा है इक्विलिब्रियम में।
जब ऐसा बोला गया है कि कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम मतलब सीधी सी बात है, मान लो कि अगर ऐसे हमारे पास ऐसे कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें फुटबॉल है, ठीक है, या कोई मान लो कोई हॉलो स्पीयर है जो कि तैर रहा है ऐसे, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेशनरी है, ना ऊपर जा रहा ना अंदर जा रहा, हम कहेंगे कि ये फ्लोट कर रहा है। अगर ये वाली सिचुएशन देखी जाए, फ्लोट कर रहा है तो मतलब इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो उसके ऊपर लग रहा है mg नीचे फोर्स w, और उसके ऊपर लग रहा होगा एक बॉयंट फोर्स। मैंने तुम लोग को बता के रखा था कि जो बॉयंट फोर्स होता है इट एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ये आप थ्रस्ट। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो और तो कोई इसके ऊपर फोर्स लग नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि w इक्वल्स टू यू, ठीक है, इन स्टेट ऑफ रोटेशन। रोटेशन पे अगर जितने भी हमने देखे ना, एक दो बार इसके ऊपर सवाल आ चुके हुए हैं, ठीक है, रोटेशन के ऊपर ना कभी कभी सवाल आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो शिपा, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों जाओगी शिपा? टाइम पे आया करो सब्जी क्लास पे, बीच तुम्हारा पीछे का छूट गया। अरे क्या हुआ सर? टाइम पे तुम ज्वाइन किया करो सब्जी। देखो फ्लोटेशन जो है ना, इन स्टेट ऑफ फ्लोटेशन हम क्या देखते हैं कि जो वेट होता है ना वो अप थ्रस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अब देखो, अब पता है ये क्वेश्चन बताओ AI-EEE में आ चुका हुआ है पहले भी, कि जो फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है कि दे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, या वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, क्या ये फ्लोटेशन के लिए डेफिनेशन सही होगी? आंसर इज नो, ठीक है। ये इस केस में जो वेट है ना वो अप थ्रस्ट के इक्वल है, हर केस में क्या फ्लोटेशन में वेट और अप थ्रस्ट सेम होंगे? आंसर इज नो। जैसे देखो, मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने एक बॉडी के ऊपर क्या किया ऐसे करके, एक अपवर्ड कोई स्ट्रिंग से मैंने क्या किया उसको ऐसे करके खींच लिया, ठीक है, स्ट्रिंग से मैंने ऊपर फोर्स अप्लाई किया मान लो टी, इसका वेट जो है ना डब्लू है और इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है यू, ठीक है, इस केस में टी प्लस यू इक्वल टू डब्लू हो जाएगा, क्या ये फ्लोट कर रहा है? आंसर इज यस। क्या वेट ऑफ द लिक्विड अपथ्रस्ट के इक्वल है? आंसर इज नो, वो तो टेंशन प्लस अपथ्रस्ट के इक्वल है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसलिए क्या फ्लोटेशन में हमेशा वेट ऑफ द लिक्विड अपथ्रस्ट के इक्वल होता है? नो। फ्लोटेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या? फ्लोटेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होता है कि कोई बॉडी को हम लोग कहते हैं फ्लोट कर रही है जब वो कैसी होती है, जब वो लिक्विड सरफेस पे हो और या उसके जस्ट अंदर हो, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगना चाहिए? जीरो लगना चाहिए, ठीक है। सो रिमेम्बर वन थिंग दैट फ्लोटेशन मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दिस मीन्स सिग्मा एफ ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि जब कोई बॉडी के ऊपर हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो उस सिचुएशन में डब्ल्यू इक्वल्स टू यू होगा, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बाकी कुछ कुछ बातें हैं जो तुम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है पहले से ही, ठीक है, क्लास 9 पर सबने पढ़ के रखा हुआ है कि अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो बॉडी सिंक कर जाता है। अगर यहाँ पे वाटर इक्वल है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जनरल ले सकते हैं हम लोग। सेकेंड, अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगी ये उससे कम होगी तो बॉडी क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। और ये जो बॉडी जो फ्लोट करेगा ना, क्लियर, ये जो बॉडी जो फ्लोट करेगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उसका कुछ पार्ट जो होता है ना वो पानी के लिक्विड के बाहर रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसे हमने बोला कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है
और बॉडी की डेंसिटी कम है तो वो कुछ ऐसा करके फ्लोट करेगा। और तीसरा है कि अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो भी वो फ्लोट करेगा, लेकिन उस सिचुएशन में वो उसका जो सरफेस है वो जस्ट लिक्विड के अंदर होगा। मतलब ये ऐसे करके हमने, जैसे कि मान लो एक वो आता है ना, होली में खेलते हम लोग फुग्गे मारते हैं, उसकी कैसी पॉलीथीन होती है, एकदम हल्की पॉलीथीन होती है, तो हमने अगर उस पॉलीथीन में हमने पानी भर दिया और इसके अंदर डाल दिया, तो देखोगे ना कभी उसको तो ऐसे फ्लोट करते हैं, उसका जो सरफेस होता है ना वो जस्ट पानी के सरफेस के अंदर होता है, तो इट फ्लोट्स विथ बॉडी जस्ट अंडर वाटर सरफेस, ठीक है। एंड दीज थ्री आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ फ्लोटेशन और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के तीन लॉज है, ठीक है, ये तीन लॉज उसको कवर करते हैं। ये तो तुम लोगों ने पहले पढ़ के रखा होगा, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ के रखा था मैं इसको हल्के में लेके छोड़ दूंगा। इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने को अच्छी इस पे फील आ जाएगी, ठीक है ना। तो तुम एक चीज यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है ना, ठीक है, बिल्कुल पहले प्रेशर पढ़ा, फिर प्रेशर इन एक्सलेटिंग फ्लूइड पढ़ा, फिर हमने अपथ्रस्ट पढ़ा, ठीक है, अपथ्रस्ट से हमने क्या पढ़ा, फिर हमने अपथ्रस्ट इन एक्सलेटेड फ्लूइड पढ़ा, फिर अपथ्रस्ट से क्या निकल के आया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही क्या निकल के आया था, लॉ ऑफ रोटेशन आता है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ रोटेशन जो होता है ना, और अगर तुमसे कभी कभी पूछा जाए ना कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ रोटेशन में क्या फर्क है एक्चुअली, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है ना वो बातें करता है अपथ्रस्ट के बारे में, कि लिक्विड ने कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ रोटेशन होता है ना, लिक्विड ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। लॉ ऑफ रोटेशन क्या करता है, लॉ ऑफ रोटेशन मेनली डील करता है डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जो कि डिसाइड करता है कि बॉडी जो पानी के तो लिक्विड के अंदर डूबेगा तो उसके ऊपर तैरता रहेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज मेनली अबाउट अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, ये इसके बारे में होता है। एंड लॉ ऑफ रोटेशन इज मेनली अबाउट डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड, इसके कंपैरिजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग पता चलता है कि कोई बॉडी तैरेगा कि डूबेगा। एंड लॉ ऑफ रोटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, ठीक है, वो सब लॉ ऑफ रोटेशन के बेसिस पे होता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वहां पे एक योगदान होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है लॉ ऑफ रोटेशन को पढ़ने में, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ सकते हम लोग उसको। तो द लास्ट टॉपिक विच वाज लॉ ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये कि दो लिक्विड है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता है मैंने नेट में तो देखा 2016 में, और आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 बार आ चुका हुआ है, बोला गया कि दो लिक्विड है नॉन मिक्सिंग, ठीक है, एक ही डेंसिटी है रो, एक ही डेंसिटी है एन रो, एक ही डेंसिटी रो है, एक ही डेंसिटी क्या एन रो है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा डेंसिटी वाला ऊपर होता है ना हमेशा, तो इसकी डेंसिटी एन रो होगी और इसकी डेंसिटी क्या है रो। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया गया, तुमको फिगर देख के समझना होगा। हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, दोनों लिक्विड की हाइट कितनी है एच, और सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर को डाला गया इसके अंदर, ठीक है, और बोला कि एक सिलेंडर ऐसे यहाँ पे डाला गया, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ना यहाँ पर ये जो सिलेंडर है ना
ये ऐसे फ्लोट कर रहा है इन डेंसर लिक्विड, ठीक है, सिलेंडर की डेंसिटी है डी, सिलेंडर की डेंसिटी क्या है डी है, और इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है डी है और इसका लेंथ क्या एल है। सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, सिलेंडर बोला क्या है कि सिलेंडर की जो एक्सिस है ना, ठीक है, सिलेंडर की जो एक्सिस है वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब सीधी है, ठीक है ना, सिलेंडर की एक्सिस कैसी है वर्टिकल है, एंड लेंथ ये क्वेश्चन में लिखा गया, सिलेंडर की एक्सिस मतलब सिलेंडर ऐसे भी तो फ्लोट कर सकता था, ठीक है, इसके अंदर ऐसे भी बना सकते थे, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलेंडर की एक्सिस कैसी है वो वर्टिकल है, तो इसलिए हमने को सीधा ड्रॉ किया, एंड लेंथ इज रो एल, बोला कि जो सिलेंडर की जो लेंथ है ना डेंसर मीडियम में वो कितनी है पी एल, यहाँ पे कितनी लेंथ है डेंसर में पी एल है, जहां पी की जो वैल्यू है वन से छोटी है, देखो, और हाँ देखो यहां पर ये डायग्राम ये नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया सिलेंडर की जो लेंथ है ना वो इससे कैसी है जो पी लेस देन वन, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कभी भी डेंसर लिक्विड हो और रेयर लिक्विड हो, ठीक है, तो जो बॉडी जो होता है ना, ठीक है, वो फ्लोट इस तरह से करेगा, ठीक है, कि उसका कुछ हिस्सा कहाँ पे होता है डेंसर में होता है, कुछ हिस्सा कहाँ पे होता है उसका रेयर में होता है, इस तरह से, ठीक है, हमारे सामने हमको ऐसा बोला गया है, तो बोला गया है जो डेंसिटी डी है, ठीक है, जो डी की वैल्यू है ये क्या है, हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 2 प्लस एन माइनस वन पी रो, ये पी के लेंथ फ्रैक्शन लेंथ है, ठीक है, और बोला कि नहीं इसको ना कंटेनर के अंदर डाल दिया गया, तो कंटेनर में जब डाला गया ना, जब एक रेयर और एक डेंसर होगा ना लिक्विड, तो बॉडी हमेशा कुछ ऐसा फ्लोट करता है, ठीक है, डेंसिटी हमको बतानी है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है वन प्लस एन माइनस वन पी रो, थर्ड ऑप्शन है वन प्लस एन प्लस वन जीरो, फोर्थ टू प्लस एन प्लस वन जीरो, ठीक है, ये आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, इसको डाला गया कुछ हिस्सा इसका इसमें होगा क्या कहते हैं लाइटर वाले लिक्विड में, कुछ हिस्सा इसका डेंसर वाले लिक्विड में होगा, ठीक है, तो हमको बताना है कि वो जो यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी वो हमको बतानी है इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है, कि एन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी जो फ्रैक्शन है इसका डेंसर में, ठीक है, और ये नंबर कुछ कॉन्स्टेंट है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक बार तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें कुछ भी इस पर टफ नहीं लगेगा, और ये तुमको मेन कंसेप्ट है इसका इसका आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें मैं तुमको टाइम नहीं दे रहा सॉल्व करने के लिए, मैं खुद से तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो जब इस तरह का सवाल अगर आता है ना, तो यहाँ पर समझना कि जब बॉडी ऐसा है तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाने वाले दो लिक्विड है, एक तो डेंसर अपथ्रस्ट लगा रहा ऊपर,
और रेयर वर्क जो ये जो हल्का लिक्विड है ना जिसकी डेंसिटी कम है वो भी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा दिया। ये जो टोटल अपथ्रस्ट है ना यहाँ पे नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, ये जो mg जो है ना ये दो अपथ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखू ना इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है अपथ्रस्ट, अगर मैं लोअर पार्ट देखू लोअर पार्ट यहां से लेके यहां तक का, तो इस पे क्या अपथ्रस्ट लग रहा है, एक तो लग रहा होगा लोअर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, एक लग रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना रो है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा जो लोअर पार्ट का है, एरिया, ये एरिया ए मान लो, इनटू ये हाइट कितनी है देखा जाए यहां से लेके यहां तक की, ये पूरी लेंथ सिलेंडर की एल, तो यहां से लेके यहां तक की क्या होगी, ये हो जाएगी एल माइनस रो एल हो जाएगा ना, तो इनटू एल वन माइनस रो कॉमन ले लिया, इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू जी, व्हाट इज दिस, दिस इज अपथ्रस्ट ऑन दिस पार्ट, क्या था ना, व्हाट वाज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट वाज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू ग्रेविटी, तो ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी देखो तो इसके लिए रो है, क्या एरिया क्या वॉल्यूम है डिस्प्लेस लिक्विड का, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा डिस्प्लेस लिक्विड का ना इतना सा पार्ट लोअर फ्लूइड के लिए, तो एरिया इनटू ये लेंथ कितना है, एरिया इनटू एल वन माइनस रो इनटू जी, प्लस और कौन अपथ्रस्ट लगा रहा है, ये भी तो लगा रहा है अपथ्रस्ट ऊपर वाला लिक्विड, अगर ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर की डेंसिटी कितनी है एन रो है, इनटू एरिया कितना है इसका ए है, इंटू इसमें क्या लेंथ है तो इसमें लेंथ रो एल है, ठीक है ना, पी एल है, सॉरी ये पी एल है, ठीक है, और यहां पे मैं इसको पी को सही से लिखता हूं, ठीक है, रो जैसा लग रहा है, ये पी है, ये दोनों अपथ्रस्ट मिला के किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, वेट क्या है बॉडी का, सिलेंडर का वेट क्या हो जाएगा, एमजी हो जाएगा, एमजी मतलब क्या होता है मास, मास क्या हो जाती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा देखो, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इनटू लेंथ, लेंथ क्या है लेना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या इसके लिए डी है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कभी भी ये सवाल मैं बोला ना सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, फिर से आ सकता है ये सवाल, कभी भी अगर दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड है और बॉडी को अगर अंदर ऐसे रख दिया जाएगा तो ध्यान के रखना उसके ऊपर दो अपथ्रस्ट लगेंगे, दोनों लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा और वो वेट के इक्वल करेगा, ठीक है, और इस पे पता सवाल को अलग अलग तरह से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, कभी इसका ये हाइट डेंसिटी दे देगा, इसका इसका रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी करे, बट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना एक लाइन का वो सबसे इम्पोर्टेंट। अब यहां से मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना डी है, तो डी को सब्जेक्ट बनाना ना, तो ए जी ए, तो यहां भी तो जी आएगा ना, एरिया इंटू रोएल इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है, ये क्या हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ये वाला और ये जी हो जाएगा, तो ए जी सबसे मर गया, आपको किसको बनाना सब्जेक्ट, डी को बनाना सब्जेक्ट ना, तो डी को अगर सब्जेक्ट बनाना चाहिए यहां से सबसे एल भी मर जाएगा, तो क्या बचा डी, रो है रो कॉमन ले लो, ठीक है, वन माइनस पी यहाँ पे प्लस रो यहां से निकल चुका हुआ है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा रो निकल चुका, तो एन पी, ठीक है, याद है हमारा पी इक्वल्स टू वन, क्या कहते हैं यहां से, तो एन पी, हाँ यहाँ पे बचा बचा हुआ एम पी बचा ना, रो आ गया एम पी बचा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रो वन प्लस
वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है, रो वन प्लस बी एन माइनस वन, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा टिपिकल सवाल है, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर दो, कोई दिक्कत किसी के सवाल पे? सीधे याद रखना, अब थ्रस्ट ड्यू टू बोथ द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। उसके बाद इसमें और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं ऐसे दे देगा तुमको, ठीक है, वो सब मैं क्वेश्चन इतने कुछ खास करवा नहीं रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूँ, ठीक है, तो करो तुम लोग की उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। एक काम करना था, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग घर पे करना, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ ये होमवर्क है तुम लोग का। बोला गया कि यहाँ पे एक आइस है, ठीक है, इसकी डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आइस की, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे केरोसिन है, इसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर है वाटर जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। दो लिक्विड वाले जब भी केस आता है बॉडी को ऐसे बनाते हैं बीच में, ठीक है, और डेंसर लिक्विड को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है, और लाइटर लिक्विड को हमेशा ऊपर रखते हैं, बीच में क्या हो जाता है बॉडी आ जाता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ जो अगर जो बॉडी होता है ना ये वाला, इसकी जो तुमको डेंसिटी दी जाती है जनरली डबल लिक्विड में, वो इन दोनों की डेंसिटी के बीच में होती है। अगर इसकी डेंसिटी देखी जाए तो वो केरोसिन से कम है, ठीक है, तो वो केरोसिन में क्या होता है नीचे सिंक कर जाता है, और वाटर की डेंसिटी से कैसी है ज्यादा है, ये क्या होता है पानी में ऊपर पानी में फ्लोट करेगा, तो ऑब्वियसली बीच पे रहेगा ना, ठीक है। ऐसे वाले सवाल में अगर कुछ नहीं दिया जाए ना क्वेश्चन में, तो यहाँ तो फिगर में दिया गया है, और कुछ नहीं दिया जाए तो मान लो कि जो बॉडी की डेंसिटी है इन दोनों की डेंसिटी के बीच में, अगर ऐसा हो जाता है क्वेश्चन अगर मेंशन कर देता है कि बॉडी की डेंसिटी अगर 0.8 से भी कम होती तो यहाँ पे फ्लोट कर रहा होता, ठीक है, ऊपर। अच्छा, ये सवाल में हमको इतना डेटा दिया गया है तो बताना आपको, ये अगर हाइट x है, ये हाइट अगर y है, तो x अपॉन y क्या होगा, मतलब रेशियो ऑफ द हाइट इन केरोसिन टू दैट इन द वाटर, x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये निकालना है, ऐसे होमवर्क तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। कल हम लोग इसका छोटे मोटे एक दो टॉपिक और देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बर्नौली थ्योरम हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, उसके हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन लेकर के उसके हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल आज के लिए इतना ही है, ठीक है, अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है।